नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपका जो फ़ोन है उसी पर आप अपने ईमेल आईडी को किस तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, सिर्फ दो मिनट में आप अपने फ़ोन पर ही ईमेल आईडी को किस तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, अपने मोबाइल से ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो जीमेल एप्लीकेशन है उसको ओपन कीजिए। सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे जीमेल एप्लीकेशन है। दोस्तों, ये जो जीमेल एप्लीकेशन है हर एंड्रॉयड फ़ोन में इनबिल्ट आता है, इसे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में पहले से होगा यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो। तो चलिए जीमेल इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि सबसे ऊपर में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर थ्री लाइन्स है, इस थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे में आप सबसे देख रहे होंगे सेटिंग्स का ऑप्शन है दोस्तों, हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर में, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे में ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, इस ऐड अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद गूगल पे क्लिक कीजिए। गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने दीजिए। इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन शो हो रहा है जब हम क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक किए तो, पहला ऑप्शन है फॉर माई सेल्फ, दूसरा है टू मैनेज माई बिजनेस। यदि खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट करेंगे और यदि बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं टू मैनेज माई बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। फॉर माई सेल्फ जब आप सिलेक्ट करके आगे आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको फिल करना है। तो चलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर देते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर दिए दोस्तों। उसके बाद सबसे नीचे में नेक्स्ट बटन है, आप देख पा रहे होंगे, तो इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको बर्थडे और जेंडर फिल करना है दोस्तों। तो चलिए बर्थडे और जेंडर फिल कर लेते हैं। बर्थडे फिल कर लिए, उसके बाद जेंडर फिल कर लेते हैं। जेंडर में फीमेल मेल है दोस्तों, तो यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए और मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए। हम मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे में आप नेक्स्ट बटन देख रहे होंगे, इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पीछे का @gmail.com यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। आगे में जो आप एड्रेस देना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सूरज कुमार, और यहाँ सूरज कुमार जो ईमेल आईडी है दोस्तों पहले से बना हुआ होगा, तो यहाँ पे हमको यूनिक ईमेल आईडी डालना है। तो यूनिक ईमेल आईडी डालने के लिए यहाँ पर कुछ नंबर फिल कर देते हैं दोस्तों। अब क्या होगा कि नंबर फिल कर देंगे तो हमारा जो है यूनिक है यहाँ पर हो गया है, ये पहले से इस तरह का ईमेल आईडी नहीं बना हुआ है, तो ये जो मेरा ईमेल आईडी है एक बार में ही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अपने नाम के साथ नंबर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद सबसे नीचे में आप नेक्स्ट बटन देख रहे होंगे, उस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ईमेल आईडी का जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे पासवर्ड डालिए। चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों। पासवर्ड डाल दिया दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे नेक्स्ट बटन है, इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे स्किप बटन, स्किप का ऑप्शन है, इसे स्किप पे क्लिक कीजिए। स्किप पे क्लिक कर दिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे शो हो रहा है सूरज कुमार 6586435780@gmail.com, ये जो मेरा ईमेल आईडी है बन गया दोस्तों। अब इसके बाद सबसे नीचे में नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद प्राइवेसी एंड टर्म्स जो है वो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पे आई एग्री है सबसे नीचे बटन, आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए।
आई एग्री पे जब आप क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरह से ईमेल आईडी बन जाएगा दोस्तों। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो गूगल के द्वारा चेक किया जा रहा है, चेक कर लेने दीजिए, उसके बाद हमारा पेज खुल जाएगा। चलिए अब हमारा ईमेल आईडी बना है कि नहीं देखिए, बन गया है। सबसे नीचे में आप ऐड अकाउंट के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे सूरज कुमार 6586435780@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी बन गया। और इसके ऊपर और भी ईमेल आईडी शो हो रहा है दोस्तों, इसलिए शो हो रहा है कि मेरे फ़ोन में और भी ईमेल आईडी है दोस्तों, तो वो सारा ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है। आप पहला ईमेल आईडी बनाएंगे तो इतना सारा ईमेल आईडी आप में नहीं दिखेगा, आप जो बनाएंगे सिर्फ वही शो होगा। तो चलिए मेरा ईमेल आईडी बना है कि नहीं बैक करके हम देख लेते हैं, अपने इनबॉक्स में चलते हैं। दोस्तों तो देखिए मेरा जो ईमेल आईडी है यहाँ सबसे नीचे में आप देख पा रहे होंगे सूरज कुमार 6586435780@gmail.com, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो इनबॉक्स है दोस्त ये खुल गया है। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से ईमेल आईडी को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।